बहुत बढ़िया लगी मूवी, मजा आ गया। थ्री स्टार, थ्री एंड हाफ, इट वॉज नाइस, इट वॉज नाइस। 3.547 बहुत अच्छी है, 5 मूवी अच्छी थी, क्लाइमेक्स बहुत अच्छा था। 5 कितने स्टार दी? 4 थैंक यू। मूवी अच्छी है, क्लाइमेक्स बहुत बढ़िया है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और धमाकेदार न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, फाइनली साउथ के सुपरस्टार प्रभास की मच ओटीटी फिल्म आदि पुरुष सिनेमा ग्रो में रिलीज हो चुकी है। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा वीडियो के अंदर की प्रभास की मच ओटीटी फिल्म आदि पुरुष को लेकर पब्लिक के जी भर भर के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, फिल्म आदि पुरुष को लेकर पब्लिक के अजीबो गरीब रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। पब्लिक फिल्म के निर्माता ओम राउत को ट्रोल करते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही जनता का कहना है फिल्म के निर्माता ओम राउत के बारे में, क्या बिल्कुल कार्टून जैसी मूवी बनाई है रामायण के नाम पे। वहीं दोस्तों, जहां तक फिल्म आदि पुरुष के बारे में मेरे पोजन की बात करूं तो दोस्तों, मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा फिल्म आदि पुरुष को लेकर, फिल्म आदि पुरुष के अंदर इसका विपक्ष काफी रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जी हाँ, विपक्ष के मामले में ये फिल्म बाहुबली को भी मात देते हुए दिखाई दे रही। और दोस्तों, यही नहीं, फिल्म आदि पुरुष के अंदर एक्शन सीन्स के बारे में तो क्या ही बात करें, वो इतने लाजवाब व धमाकेदार कि जिसे 3D में देखने का हक तो बनता है। साथ ही दोस्तों, जहां तक बात करें फिल्म के अंदर स्टार की एक्टिंग के बारे में तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सैफ अली खान का कोई मुकाबला नहीं है। जिस तरह से उन्होंने फिल्म आदि पुरुष के अंदर विलेन के रोल को प्ले किया है, शायद ही उनके जैसे कोई कर पाता। और कहीं ना कहीं वो रणवीर सिंह पे भारी पड़ते हुए दिखाई देते। रही बात प्रभास की तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से फिल्म के अंदर प्रभास ने अपने रोल को प्ले किया व निभाया है, उनके लिए एक सिटी व उनकी तारीफ करना तो बनता है। वैसे दोस्तों, हम लोग पहले भी प्रभास को इस टाइप की दमदार भूमिका निभाते हुए फिल्म बाहुबली में देख ही चुके हैं। और दोस्तों, बाकी कीर्ति सेनन व फिल्म के अंदर अन्य स्टार कास्ट ने ठीक ठाक अपनी भूमिका निभाई है। कुल मिलाकर दोस्तों, फिल्म आदि पुरुष एक बवाल मचाने वाली फिल्म है व हमारे भारतीय संस्कृति के ऊपर आधारित होने वाली फिल्म है, जिसे हम सभी को देखना चाहिए। वहीं दोस्तों, थोड़ा समय की कमी होने की वजह से वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त और मिलते हैं किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से जय हिंद।